एवरीवन, मैं हूं वंदना और स्वागत है आपका मेरे चैनल 99.9 इंच रिंग स्टेशन पे। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है बॉयलिंग, जो कि है हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हीट ट्रांसफर प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ टू टाइप ऑफ फेस चेंजेस। बेसिकली पहला फेज चेंज है वेपर टू लिक्विड, जिसको हम कहते हैं कंडेंसेशन, और लिक्विड टू वेपर, जिसको हम कहते हैं बॉयलिंग। आज के लेक्चर में हम पूरी बात बॉयलिंग की करेंगे। सो बेसिकली बॉयलिंग इज अ कन्वेक्शन प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स फेज चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो फेज चेंज करता है लिक्विड टू वेपर में। अब हम फेस चेंज की बात करें, बेसिकली फेस चेंज हम किसे कह रहे हैं? फेस चेंज हम कह रहे हैं जो कि इन्वॉल्व करता है रिमूवल और एडिशन ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। जैसा कि आप जानते हैं कि ओनली गिव्स फ्री एनर्जी जो है, जो इस प्रोसेस में चेंज नहीं होती एट इक्विबिरियम। Otherwise, all the parameter is changed, like latent heat, enthalpy and volume. अगर हम बात करते हैं boiling होती कैसे है, तो boiling में occur when the liquid is exposed to solid surface. हम इस chapter में, इस video में हम एक experiment perform करेंगे, जिसमें हम liquid को एक solid surface, जो कि हॉट सॉलिड सरफेस के सामने एक्सपोज करेंगे, जिसका टेम्परेचर हायर देन द सैचुरेटेड टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड होगा। अब जो हीट फ्लक्स है हमारा क्यू, जो हीट ट्रांसफर का हीट फ्लक्स है, वो डिपेंड करता है डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ सरफेस एंड द सैचुरेशन टेम्परेचर पे। जैसे कि आप फॉर्मूले से देख पा रहे हैं कि क्यू इज इक्वल टू एच टी डब्ल्यू माइनस टी एस। यहाँ पे Q जो है हीट फ्लक्स है, H है हीट ट्रांसफर कोफिशियंट, TW है सरफेस टेम्परेचर और TS है सैचुरेशन टेम्परेचर। अब बात करते हैं टाइप ऑफ बॉइलिंग की। अगर हम टाइप्स ऑफ बॉइलिंग की बात करते हैं तो हमारे पास चार टाइप के बॉइलिंग्स आ जाती हैं। पहला है पूल बॉइलिंग, फिर सब कूल बॉइलिंग, सैचुरेटेड बॉइलिंग एंड फोर्स कन्वेक्शन बॉइलिंग। अब हम क्या कर रहे हैं, जब हम किसी भी कंटेनर में अगर लिक्विड स्टोर है, उस लिक्विड को हम स्टोर हीट कर रहे हैं, किसी भी सबमर्ज, किसी भी सॉलिड, गर्म सॉलिड को डालने के बाद, तब वो प्रोसेस होता है पूल बॉइलिंग। ठीक है, मतलब हमने एक कंटेनर है, उसमें लिक्विड रखा हुआ है, हमने एक हॉट सरफेस मटेरियल हमने उस पानी में डाल दिया, तो जो उसकी वजह से कन्वेक्शन प्रोसेस बॉइलिंग में होगा उसको कहेंगे पूल बॉइलिंग। नेक्स्ट, इफ द बल्क लिक्विड, जब अगर बल्क लिक्विड का टेम्परेचर लेस देन द सैचुरेशन टेम्परेचर होगा, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड सब कूल बॉइलिंग। जब टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, बल्क टेम्परेचर लिक्विड का लेस देन द सैचुरेशन टेम्परेचर होगा, तब हम कहेंगे सब कूल बॉइलिंग। और वी ऑल्सो वी कैन कॉल इट एज लोकल बॉइलिंग। नेक्स्ट इज सैचुरेटेड बॉइलिंग। सैचुरेशन बॉइलिंग में लिक्विड का टेम्परेचर जब इक्वल हो जाएगा सैचुरेशन बॉइलिंग का, तो मेन प्रोसेस, जो बॉइलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, और उसको कहेंगे हम सैचुरेशन बॉइलिंग। नेक्स्ट हमारा है फोर्स कन्वेक्शन बॉइलिंग, मतलब मींस हम कोई एक्सटर्नल मीडियम यूज़ कर रहे हैं, एक्सटर्नल सोर्स यूज़ कर रहे हैं हीटिंग के लिए। ठीक है, ये तो हमारे टाइप्स के बारे में हो गया शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अब हम बात करते हैं पूल बॉइलिंग में जो हीट ट्रांसफर कोफिशियंट है, वो फंक्शन ऑफ होता है फोर डायमेंशनलेस नंबर, सॉरी। फर्स्ट वन इज, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रांटल नंबर, दैट इज म्यू सी पी बाई के।
सेकेंड इज जैकॉब नंबर विच इज़ द रेशियो ऑफ सेंसिबल हीट एनर्जी टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. थर्ड इज बॉन्ड नंबर विच इज़ द रेशियो ऑफ बॉयंसी फोर्स टू द सर्फेस टेंशन. एंड फोर्थ इज ग्रशॉफ नंबर. ये चारों ही डायमेंशनलेस नंबर जो हीट ट्रांसफर कोफिशियंट पे डिपेंड करते हैं. नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं. जैसे कि हमने एक लिक्विड कंटेनर ले लिया है, उसमें हमने एक वायर प्लेस कर दिया जो कि हॉट वायर है. उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक्सपेरिमेंटल थ्रू से हमें ये ग्राफ ऑब्टेन होता है जो कि है लॉग एच और टाइम के बीच में. और इस ग्राफ को हमने कुछ रीजंस में डिवाइड किया है. पहला है इंटरफेशियल इवेपोरेशन रीजन, सेकेंड इज न्यूक्लियेट बॉइलिंग एंड फोर्थ इज फिल्म बॉइलिंग, थर्ड इज फिल्म बॉइलिंग. चलिए अब एक एक स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्क्राइब करते हैं कि हर रीजन में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं. अगर हम बात करते हैं ए से बी रीजन को, जिसको हम कहते हैं इवेपोरेशन, इंटरफेशियल इवेपोरेशन रीजन, जिसका टेम्परेचर डेल्टा टी लेस देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसका टेम्परेचर चेंज, ठीक है, इस रीजन में जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेपर बबल है वो बहुत स्मॉल होता है. जो वेपर बबल फॉर्म होने की जो टेंडेंसी है वो बहुत ही स्मॉल है. और जो लिक्विड मीडियम जो मूव हो रहा है वो कन्वेक्शन के थ्रू हो रहा है. जो एंड द हॉट लिक्विड इज वेपराइज एट द फ्री सर्फेस एट द टॉप. Then this process is called interfacial evaporation region. Second region is nucleate boiling. Nucleate boiling is from B to D. And temperature range is from 2 degree centigrade to 35 degree centigrade. इस B point को हम कहते हैं onset of nucleate boiling. और basically onset के बाद न्यूक्लियर बॉइलिंग के, तो बी और सी जो हमारा सेकेंड पार्ट है उसमें क्या हो रहा है, जो आइसोलेटेड बबल्स फॉर्म हो रहे हैं. जो टेम्परेचर कुछ राइज होगा तो उसकी वजह से आइसोलेटेड बबल फॉर्म हो रहे हैं वायर के ऊपर और सरफेस के ऊपर. बट मोस्ट ऑफ दी जो बबल्स हैं वो कोलैप्स हो जा रहे हैं बिना सरफेस के ऊपर तक आए, सरफेस के नीचे ही, मतलब इतनी उनकी टेंडेंसी इतनी वो स्टेबल नहीं है कि वो सरफेस तक आ सके और मेंटेन रह सके. तो इसलिए इस पे रीज़न फोर बी टू सी में बबल्स फॉर्म तो हो रहे हैं लेकिन वो सरफेस तक आ नहीं पा रहे. सी टू डी में क्या हो रहा है प्रोसेस, कि लार्ज नंबर ऑफ वेपर बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं और विग्रेसली राइज भी हो रहे हैं टू द लिक्विड एट द सर्फेस टॉप पे आके, ठीक है. और नियरली डी पॉइंट पे बबल्स राइज इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि वो लुक लाइक अ जेट. और जैसे ही टेम्परेचर डेल्टा टी ई को एक्सीड करेगा तो वहाँ से फिल्म बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी. जो फिल्म बॉइलिंग है वो स्टार्ट होने के बाद कौन कौन सी रीज़न है, 4, 5, 6, इन तीनों रीज़न में फिल्म बॉइलिंग रहती है. नेक्स्ट, अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करें हीट ट्रांसफ़र कोफिशियंट की, तो डी पॉइंट पे सबसे मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र कोफिशियंट होगा क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली हमारा हीट ट्रांसफ़र इंक्रीज हो रहा है. और जैसे ही बियॉन्ड द डी द हीट ट्रांसफ़र इज डिक्रीजेस. इन द रीज़न फोर द फॉर्मेशन ऑफ वेपर फिल्म इज नॉट कम्प्लीट. जो फोर्थ रीज़न है वो अभी स्टेबल नहीं है, पूरी तरीके से फिल्म स्टेबली फॉर्म नहीं हो पाए हैं. बट इन द रीज़न फिफ्थ द स्टेबल फिल्म इज फिल्म बॉइलिंग इज स्टार्टेड. ओके, एंड एट द सिक्स्थ रीज़न अगेन द रेडिएशन प्रोसेस इज स्टार्ट. तो कौन कौन से रीज़न आपको पता चल गए, इंटरफेशियल रीज़न, न्यूक्लियेट बॉइलिंग, फिल्म रीज़न एंड रेडिएशन प्रोसेस स्टेट. तो बॉइलिंग में ही दोनों ही दो टाइप के मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र यूज़ होते हैं, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन.
ठीक है, अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो अगर हमसे क्वेश्चन कई बार गेट में पूछा जाता है कि किस सीक्वेंस में ये टेक प्लेस हो रहे हैं, तो सबसे पहले नेचुरल कन्वेक्शन हो रहा है, फिर न्यूक्लियेट बॉइलिंग हो रहा है, फिर ट्रांजिशन बॉइलिंग हो रहा है, फिल्म बॉइलिंग हो रहा है, नेक्स्ट इज फिल्म बॉइलिंग। याद रखिएगा, न्यूक्लियेट नेचुरल कन्वेक्शन, न्यूक्लियेट बॉइलिंग, ट्रांजिशन बॉइलिंग एंड फिल्म बॉइलिंग। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर से ज़रूर उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंडेंसेशन की बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।